खातिन हजरा अब से कुछ ही देर बाद वजी अजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान कौम से खिताब फरमाएंगे वजीर अजम के खिताब से पहले तिलावत कलाम पाक और तरशुमा يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ۖ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير इरशाद बारी ताली है मोमिनों खुदा और उसके रसूल की फर्माबरदारी करो और जो तुम में से साहिब हकूमत हैं उनकी भी और अगर किसी बात में तुम में अख्तलाफ वाक़ हो तो अगर खुदा और रोज़ आख़रत पर ईमान रखते हो तो इसमें खुदा और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो ये बहुत अच्छी बात है और इसका माल भी अच्छा है दावाना दौाना रबीआलम खुवानो हजरा वजीर अजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या वही कनाबो और मेरे पाकिस्तानियों आज मैं ये जो सेनेट का इलेक्शन अभी हुआ है इसके ऊपर मैं आप सबसे अपनी कॉम से बात करना चाहता हूँ ये सेनेट का इलेक्शन इसलिए ज़रूरी इसके मतलब अपनी कौम को बात करना और समझाना क्योंकि इसके अंदर जो हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं वो जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है वो अगर आप समझ जाएं तो वो सारे मुल्क के मसले मसाइल इधर से आपको समझ आती है जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है सबसे पहले हम कुछ छः साल पहले तरिकन साहब ने सैनेट में हिस्सा लिया जब पख्तनख्वा में हमारी गवर्नमेंट थी तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में तो पैसा चलता है और अभी से नहीं ये तीस चालीस साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है और अभी से नहीं ये चालीस साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है जो सेनेटर बनता है जो बनना चाहता है वो पैसा इस्तेमाल करता है और वो खरीदता किसको है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे पता चला और तब से मैंने कैंपेन शुरू की कि क्या मजाक हो रहा है हमारी जमहूरीत के साथ कि कैसी जमूरीत है जिसके अंदर मुल्क की लीडरशिप ये याद रखें सेनेट के अंदर मुल्क की लीडरशिप आती है और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं इनमें से मुल्क की लीडरशिप आती है इनमें से वजीर बनते हैं इनमें से वजीर अजम बनते हैं इनमें से वजीर अला बनते हैं तो मैं मुझे तब से हैरत हुई कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं एक सेनेटर रिश्वत दे के सेनेटर बन रहा है और दूसरी तरफ वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपना जमीर बेच रहे हैं पैसे लेके वोट कर रहे हैं ये कौन सी जमहूरियत है तो तब से मैंने कैंपेन शुरू की और मैंने तब से कहा कि इसकी ओपन बैलेट होनी चाहिए आ, हमारा जब दूसरा सेनेट का इलेक्शन हुआ 2018 में हमें पता चला हमारे तकरीबन 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक गए थे उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट बेची हमने 20 मेंबर्स को निकाला लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा ये दोनों मेन पार्टीज इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है और फिर बाद में भी की स्टेटमेंट आई इनके पीएमएलएन के पार्टी लीडर ने भी स्टेटमेंट दी उसकी भी आई इनके सीनियर इनके जो ऑफिस हैं उनकी स्टेटमेंट्स आई तो जब ये सेनेट इलेक्शन के ऊपर ये आ रहा था हमने पार्लियामेंट में अपना बिल भी पेश किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए हमने फिर जब देखा कि नहीं हो रहा तो बाकी पार्टीज जो कि कह बैठी थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए जब उन्होंने हमारी हिमायत भी की तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस हुआ उस केस के अंदर जजेस साहिबान ने बार बार पूछा कि पैसा चलता है और उसके दौरान एक वीडियो निकलाई जो 2018 में ए, सेनेट इलेक्शन में एम पैसे ले रहे थे वो वीडियो भी निकलाई यानी किसी को कोई शक नहीं था फिर जब ये अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसकी बातचीत चल रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट के खिलाफ कही और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि आपकी जिम्मेदारी है साफ और शिफाफ इलेक्शन करवाने की और वो सारी पार्टीज पीटीएम की पार्टी सब इकट्ठी हो गई सब ने इकट्ठे होकर कहा कि नहीं जी सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए जबकि माजी में ये खुद कहते रहे कि ओपन बैलेट होनी चाहिए अब मैं आप आप सब से ये सवाल पूछता हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वजह थी कि यही पार्टीज पहले चाहती थी कि सीक्रेट ओपन बैलेट होनी चाहिए अब क्यों ये सारों ने जोर लगाया कि सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए ये जमहूरियत के खिलाफ है ये आइन के खिलाफ है तो पहले ये आइन के खिलाफ नहीं थी जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया था इन्होंने सेनेट के अंदर ये बिल एक निकाला हुआ था ये एक फोरम के अंदर इन्होंने तब भी कहा हुआ था कि ओपन बैलेट होनी चाहिए तो मैं आज अपनी कॉम के सामने ये रखता हूं कि क्या हुआ ये आपने समझना है हुआ ये कि ये जब से हमारी हुकूमत आई है सबसे इनको जितने भी ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्ट लोग थे और इनके लीडर्स इन सब को खौफ हो गया कि क्योंकि ये इमरान खान ने अपनी पूरी करप्शन के ऊपर कैंपेन की हुई है अब ये कई हमारे करप्शन के केसेस के ऊपर आगे ना बढ़े और ये मैं आपको याद करा दूँ कि करप्शन के केसेस इनके पुराने हैं ये करप्शन हमने नहीं केसेस बनाए ये इनके दौर के केसेस बने हुए हैं हमारे दौर में तो सिर्फ कोई पाँच फीसद भी केसेस नहीं होंगे सारे पुराने थे तो ये तब से सब इकट्ठे हो गए और मैंने पहले दिन भी जब मुझे आ, जब मैं गवर्नमेंट में आया मैंने पहले दिन कहा अपने पहले खताब में कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे सब ज़मुरियत के नाम पर शोर मचाएंगे ए पी डी एम डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये जमूरीत के नाम पर सब सारे एक ही इनका इंटरेस्ट होगा कि इन, मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालो कि मैं हाथ खड़े करके कहा जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने किया था इनको एनआरओ ओ दे दूँ इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दूँ तो अब इन्होंने क्या किया इन्होंने पहले कोशिश की ब्लैकमेल करने से पहले दिन से कि जी इलेक्शन खराब है फिर उन्होंने उसके ऊपर कोरोना के ऊपर पूरी कोशिश की फिर जब फैटफ का बिल आई जरा आपने समझना है फैटफ का बिल क्या था फैटफ का बिल ये था कि इनके दौर में हमें एक इंटरनेशनल जो एक, एक इदारा है फैटफ उसके अंदर हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया ग्रे लिस्ट का मतलब यह है कि अगर आप उन्होंने जो वो फैटफ कहती है अगर वो आप नहीं करते तो वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है मुल्क के ऊपर सेंक्शन लग जाएंगे सेंक्शन का क्या मतलब है आपको सिर्फ मैं आसान जबान में समझा दूं उसका मतलब ये है कि जो वो सेंकशन लगेगी हमारा रुपया गिरना शुरू होगा और हमारा रुपया कितना गिरता है ये कोई कह नहीं सकता लेकिन जब रुपया गिरता है आप समझ जाएं कि उस वक्त महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि सारी चीजें जब रुपया गिरता है जो चीज़ बाहर से मंगाते हैं महंगी हो जाती है जिसके अंदर तेल है बिज, बिजली है क्योंकि बिजली भी तेल के ऊपर आदि बनती है फिर डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फिर दालें हैं वो सत्तर फीसद बाहर से फिर घी बाहर से आता है गंदम भी हमें बाहर से मुगवानी पड़ी तो जो भी चीज बाहर से आती है ट्रांसपोर्ट तेल सब महंगी हो जाती है तो अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो यहाँ लोगों के यहाँ तो गुरबत फैलनी है तो हम फैटफ के लिए जो कानून निकालना चाहते थे जो फैटफ ने हमें कहा कानून निकालना था फैटफ का इन सब ने मिलकर एक हमारे पास एक एन का एक दे दिया जी कि जी ये नैब के ये ये चेंजेस करें मतलब कि नैब को खत्म कर दें तब हम फैट ऑफ का बिल साइन करेंगे फैट ऑफ मुल्क के लिए नैब का उससे क्या ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ कहने की कोशिश है इनका वन पॉइंट एजेंडा कि किसी तरह मुझे प्रेशर कर दे कि मैं किसी तरह ब्लैकमेल करें कि इनको एनआरओ दे दूं अब आप समझे कि इन्होंने ये क्यों किया क्यों ये जो पहले कह रहे थे सब कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है और ओपन बैलेट होनी चाहिए और अब क्यों सब इकट्ठे हो गए सुप्रीम कोर्ट में जाके सब ने इकट्ठ जोर जोर से कहा कि नहीं जी हमें सीक्रेट बैलेट चाहिए खुफिया बैलेट चाहिए उसकी वजह ये थी इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था पूरी कोशिश करनी थी कि हमारे मेंबर्स तोड़ें उनको पैसे दे के अपने साथ मिलाए और किसी तरह वो इलेक्शन जब वो हफीज़ शेख ने हारना था तो उससे क्या सामने आना था कि जी इमरान खान की पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी ख़त्म हो गई और मजॉरिटी ख़त्म हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं है लेकिन जब ये एक दफा आ जाए कि जी इमरान खान के मेंबर उधर जा सकते हैं और इसके इनके मेंबर ज़्यादा हो गए हैं यानी हमारे मेंबर्स इनके साथ चले गए हैं इसका मतलब कि अगला स्टेप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए तो असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं मुझे ब्लैक मेल करें कि मैं किसी तरह इनको एन आर ओ दे दूँ अब मैं बताता हूँ कि आगे मैंने क्या कदम लिए लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा अपनी कॉम को क्योंकि मैं आ, ये ज़रूरी है आप में से कई नौजवान हमारी नौजवान आबादी उनको पता नहीं है कि मेरी ये अब पच्चीस साल हो गए हैं ये स्ट्रगल है क्या ये क्यों थी देखिए इमरान खान वो वाद पॉलिटिशन है जिसके पास सब कुछ था पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं वो आदमी हूँ जिसको शायद मुल्क में सबसे ज़्यादा शहरत थी जितना पैसे थे मेरी जिंदगी के लिए बहुत थे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जब मैं पॉलिटिक्स में आया मैं आया क्यों पॉलिटिक्स में मैं हम वो हैं जनरेशन जो पहली मेरे वाले मेरी वालदा एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे मैं पहला पाकिस्तानी जनरेशन था जो आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था और हमें अपने मुल्क पे बड़ा फ़ख्र था जैसे हमारा मुल्क उठता जा रहा था आज से पचास साल पहले पचपन साल पहले पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी दुनिया में हमें फ़ख्र होता था पाकिस्तान का दुनिया के अंदर एक रुतबा था हमारा जब यहाँ से प्रेसिडेंट बाहर गया तो उसको एयरपोर्ट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलने आया ये और भी छोड़े यानी हमारी हर तरह एक मुल्क में एक होप था ऊपर जा रहे थे हम तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना मुल्क नीचे आते देखा और जो 1985 के बाद इस मुल्क में तबाही में जी। जब से करप्शन ये आसमानों पे गई नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुआ था अब आपको मौका मिले तो वो ज़रूर पढ़े क्योंकि वो एक ऐसा जैसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं जिसके बाद हमारी तकदीर बदली जिसके बाद करप्शन बढ़नी शुरू हुई पाकिस्तान में जिस वक़्त पॉलिटिक्स के अंदर पैसा चलना शुरू हुआ ये याद रखे उन्नीस था वो तो मैं हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता पैसा इकतदार में क्यों आ रहे हैं जी बिजनेस चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हो गई प्राइम मिनिस्टर बनना है तो बिजनेस मैन बनना सात वजीरों ने पैसा बनाना शुरू कर दिया पचासी के बाद हमारा मुल्क जाना शुरू हुआ नीचे पर उससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको फ़र्क बताऊं मैं जब क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता था तो लगता था ग़रीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए और आता आहिस्ता आस्ता हमने चेंज देखा ये आते हुए मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था और मेरा मकसद क्या था देखें मैं मैंने तो बहुत अपना वक्त बाहर की दुनिया में गुजारा है मैंने मगरबी देखे हैं मैंने इंग्लैंड के अंदर उनके सारे सिस्टम्स देखे हैं फर्क क्या है क्या वजह कि एक बल्कि ऊपर चला जाता है और दूसरा मुल्क सारे वसाइल के बावजूद नीचे आ जाता है वो है लफ्ज़ इंसाफ कानून की बाला दस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत की बुनियाद किस चीज़ पर रखी थी अदल और इंसाफ पे उन्होंने जब कहा था और वह अच्छा ये है क्या इंसाफ कानून की बाला दस्ती का मतलब क्या है मैं चाहता हूँ सब नौजवान आप सब समझें कानून की बाला दस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर और कमज़ोर एक ही बराबर हों कानून उनसे एक तरह करें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई जो ताकतवर के लिए एक कानून कमजोर के लिए दूसरा कानून वो कौमें तबाही तबाह हो जाती हैं जो जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म भी उसको सजा मिलेगी कहने का मतलब यह है कि कानून यानी इंसाफ वो हो होता है जो ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है अब यहां क्या हो रहा था जो ताकतवर उसके लिए सारा एक एक कानून वो चोरी कर रहा है वो पैसे बना रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है वो प्लाटों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं वो सरकारी गवर्न उनको कोई पकड़ नहीं रहा था बेचारे गरीब लोग जेलों में भरे हुए थे मैंने भी जब जनरल मुशर्रफ़ के दौर में कोई आठ नौ दिन जेल में गुजारे हैं वहाँ सिर्फ गरीब लोग आपको नजर आते हैं लगता सिर्फ गरीब ही चोरी करता है देखिए ये आपको आज मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी स्ट्रगल है क्या दो चीजें होती हैं जब ताकतवर को एक मुल्क का कानून उसको पकड़ता नहीं है जब वो कोई जुर्म करता है तो वो मुल्क अपनी तबाही की तरफ चला जाता है जिस तरह हमारे नबी ने कहा था वो क्यों चला जाता है मैं ये भी आपको समझाता हूं देखिए छोटे चोरी करते हैं गरीब आदमी चोरी करता है पटवारी चोरी करता है थानेदार वो पैसे बनाते हैं तंग होते हैं लोग लेकिन जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर चोरी करता है तो वो एक मुल्क को मकरूज करके रख देता है वो कैसे करता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं सारे जितने मेरे जेल में चोर भरे हुए हैं इनकी सारी चोरियां इकट्ठी भी कर दो तो वो कितने की बन जाएगी दो तीन चार अरब पांच अरब छह अरब मैं प्राइम मिनिस्टर हूं मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर मैं अरबों रुपया बना सकता हूं कैसे मैं पावर प्रोजेक्ट लगाऊं और यहां हुआ ऐसे पावर प्रोजेक्ट लगाता हूं सौ अरब का वो होता है उसकी कीमत सौ अरब मैं उसे कहता हूं एक सौ तीस अरब कर दो तीस अरब सीधे मेरे बाहरी मुल्क से बाहर ही चले जाते मेरे अकाउंट में आ जाते हैं अब वो जो तीस अरब सबसे पहले तो सारे मुल्क के चोर मिला के भी तीस अरब चोरी नहीं करते वो जो जेलों में बेचारे हैं मुश्किलों में कोई बेरोजगार है कोई, कोई सौ मसले होते हैं आम आदमी के कई तो होते भी चोर हैं लेकिन कई बेचारे मजबूर भी होते हैं वो तो जेलों में हैं सीधा बैठ के तीस अरब एक डील में मैं बना सकता हूँ और अच्छा उसकी कीमत कौन अदा करता है आप अदा करते हैं वो कैसे अदा करते हैं क्योंकि जो एक सौ तीस अरब का जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसकी उसके जो जो बिजली की कीमत है वो ऊपर चली जाती है आप अगर कहीं पता चलवाएं कि वही प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं वो कितने पे लगे हैं और जो वही प्रोजेक्ट बाहर के एक बिजली के लगे हुए उनकी कितनी कीमत है तो उसकी कौन कीमत अदा करता है कौन अदा करती है कौम क्रूज हो जाती है सारी सारी तीसरी जो जिनको कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब मुल्क आप सारी एक एक में एक एक मुल्क का आपको बता सकता हूँ उनकी ग़ुरबत का सबब क्या है वहाँ उनके भी प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं प्रेजिडेंट बैठे हैं वज़ीर बैठे हैं वो भी मुल्क का पैसा चोरी करते हैं फिर उनको मजबूरी बाहर भिजवाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में नज़र आ जाएगा ना पैसा इसलिए वो फिर बाहर ये जिस तरह ये चीनी वाला और ये पापड़ वाला इनके नाम पर बाहर इसलिए भिजवाने पड़ते हैं इसलिए भिजवाने पड़ते हैं कि वो पकड़े ना जाए अब जब वो पैसा बाहर जाता है वो दुगना मुल्क को नुकसान हो जाता है आपको पता है एक यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरा समझें कि इस मुल्क से ये थोड़े से जो मिल के ये जो बड़े बड़े मुजरे में कर क्या रहे हैं आपके मुल्क से ये हमारे मुल्क में नहीं सिर्फ हो रहा ये गरीब मुल्कों में सब में यही कहानी है जो एक इदारा है उसको कहते हैं फैक्टाई ये यूनाइटेड नेशंस का इदारा है ये क्या करता है ये पूरी तरह रिसर्च करता है कि गरीब मुल्कों से पैसा अमीर मुल्कों में कितना पैसा जाता है या ऑफशोर अकाउंट्स में कितना जाता है या बड़े बड़े लंदन और न्यूयॉर्क में बड़े बड़े गरीब मुल्कों से लोग जो घर खरीदते हैं वो इसकी सर्वे करता है उसके मुताबिक हर साल एक हज़ार अरब डॉलर गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में जाता है ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है ये फैक्ट आई की रिपोर्ट है आपको पता है हमारा सारा बाईस करोड़ लोगों का बजट कितना है मुश्किल से साठ अरब है हम बाईस करोड़ लोग जो है हमारा सारा बजट साठ अरब है तो एक हजार अरब गरीब मुल्कों से जाता है एक दस साल पहले रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान से दस अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग मुल्क से बाहर जाता है तो ये हो क्या है गरीब मुल्कों से पैसा जा रहा है अमीर मुल्कों में गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं गरीब मुल्कों और अमीर मुल्कों में फ़ासले बढ़ते जा रहे हैं गरीब मुल्क जो पैसा उनका उधर ख़र्च हो ताकि रोज़गार मिले तो स्कूलों पर चले या वहाँ वो उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो पैसा मुल्कों से बाहर चला जाता है तो जो प्राइम मिनिस्टर और वजीर जब करप्शन करते हैं वो मुल्कों मकरूज कर देते हैं कर्जे चढ़ जाते हैं वो कर्जे उतारने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं टैक्स से महंगाई होती है महंगाई से गुरबत होती है दूसरा जब वो डॉलर बाहर बेचते हैं रुपए पे प्रेशर पड़ता है जब रुपया गिरता है बाहर से सारी चीज़ें फिर महंगी हो जाती हैं तो ये जो मेरी स्ट्रगल है इसका मकसद क्या था क्योंकि मैंने तो दुनिया में देखा हुआ था जो अमीर मुल्क स्विट्जरलैंड जो मैंने देखे हैं उन सारों के अंदर कानून की बालादस्ती का मतलब ताकतवर कानून के नीचे है हमारे मुल्क में आपने तमाशा देखा जनरल मुशरफ इतनी ताकत उसके पास फौज उसके नीचे अदलिया उसके नीचे है ऑपोजिशन वो नहीं उसने प्रेशर में आके इन दोनों पार्टीज़ को एन दे दिया वो एन की वजह से आज जब हमारी हुकूमत आई है जितना हम टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं आधा चला जाता है उनके लिए हुए कर्ज़ों की किस्तों पे हमने तो अपना बजट बैलेंस कर दिया हमने तो खर्चे और आमदनी को बैलेंस कर दिया लेकिन जो कर्जों की किस्तें देनी पड़ती है वो हमारे ऊपर बोझ बढ़ा हुआ है ये सारी गरीब मुल्कों की यही स्टोरी है मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं आपको पता चले कि इस मुल्क हम एक गरीब मुल्क नहीं हैं अल्लाह ने इसको सब कुछ दिया हुआ है लेकिन कोई दुनिया का मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जिसके ऊपर बैठे हुए ताकतवर उस मुल्क का पैसा निकाल रहे हो बाहर कोई मुल्क नहीं चल सकता अब वापस आ जाए सेनेट पर ये क्यों सेनेट का इलेक्शन इंपॉर्टेंट था इन्होंने क्यों इतना ज्यादा जोर लगाया पता होते हुए कि पैसा चलना है, सीक्रेट बैलेट में ये क्यों सब इकट्ठे होके इन्होंने कोशिश की ये, ये जो ड्रामा किया है। अगर ओपन बैलेट हो जाती तरीक इंसाफ को तो हमें इतनी सीटें मिलनी थी जितनी मिली सेनेट में हमें हमारा तो ये जो कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा कोई मार्का मार, मार लिए हमें तो उतनी सीटें मिल गई हैं हम तो सबसे बड़ी पार्टी बन गए सेनेट में लेकिन इन्होंने जो सारा ड्रामा किया है, वो एक हफीज शेख की सीट के ऊपर और सारा जो पैसा लगाया है जो यूसफ रजा गिलानी का पैसे बांट रहा था शाम को लोगों की ज़मीर खरीद रहा था और वो जो हमारे मैंने जब अपने एम एन ए से जब मीटिंग की हमारी खुवान ने हमें बताया कि जी हमें कॉल करके ऑफर मिल रही थी कोई हमारी पुरानी पीटीआई की वो कॉल करके कह रही थी दो करोड़ से बोली लग रही थी अब मैं इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बात करना चाहता हूं देखिए इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है यह आपकी आईनी जिम्मेदारी है पहले तो मुझे यह नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कि जी खुफिया बैलट होनी चाहिए मुझे यह बताएं कोई आए आइन इजाजत देता है चोरी करने की रिश्वत देने की कोई आइन इजाजत देता है जो तीस साल से हो रहा है फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे पंद्रह सोलह लोग जो बिके हैं मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिके हैं हमें पता तो चले वो कौन है आपने उन मुजरमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के आपने हमारी जमूरीत को नुकसान पहुँचाया है मुझे बताएं कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कुछ बनता है ये जमूरीत है जमूरीत का तो मतलब होता है इलेक्शन से लोग ऊपर आते हैं ये पैसे दे के ऊपर आने का ये जमूरियत है दूसरा मुझे बताएं कि जो हमारा हमारे बच्चे हैं हमारा एक नौजवान आबादी है हम क्या उनके लिए मिसाल सेट कर रहे हैं सारे मुल्क के सामने पैसे चल रहे हैं वो वीडियो चल रही है पैसे की उससे पहले उससे पहले वीडियो चली जो 2018 के इलेक्शन में कि जनाब वो एम करोड़ों रुपया ऐसे ऐसे करके बैग्स में डाल रहे हैं कोई कुछ कोशिश की क्या आपको यह नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं सबके सामने ये तमाशा हुआ मुझे यह बताएं कि जब एक मुल्क की लीडरशिप ये लीडरशिप है सेनेट की जब ये रिश्वत देगी और रिश्वत लेगी तो आप क्या कहेंगे कि पटवारी और थानेदार वो ठीक हो जाएगा क्या आप कहेंगे बाकी लोग ठीक हो जाए लेकिन लीडरशिप चोरी रिश्वत दे एक चाइनीज प्रॉवर्ब है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप जब ऊपर आप करप्शन की इजाजत दे रहे हैं और आपके सामने हुई है और आपको पता तो नहीं है मैं कहता क्या मैंने इलेक्शन से पहले कहा कि रेट्स लग रहे हैं लोगों के बोलियां लग रही हैं आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या वजह थी कि आप 1500 सौ बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे तो आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए इससे क्या हुआ मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है नीचे गई है जो आपने मुल्क की मोरालिटी, इखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है, कि ये जो ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है क्या इससे फर्क पड़ा? मुझे बताएं ये ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान इस्लामी फलाई रियासत ये इलामा इकबाल ने कहा था मिसाल बनेगी मुसलमान दुनिया के लिए मुझे बताएं ये अपने नौजवानों को आप क्या बताएंगे ये सारे मुल्क के सामने और ये कितना पैसा चला है ये अभी तो किसी ये तो सामने आ गया ना आपका वीडियो आपको ये नहीं अंदाजा कि कितना पैसा चला है सिलेक्शन के अंदर किस तरह लोगों ने अपने ज़मीर बेचे हैं पैसा बनाने के लिए किस तरह हमारी पॉलिटिक्स को करप्ट किया गया है जो करोड़ों रुपया खर्च करके सेनेटर बनेगा वो हाथमताई है वो आके मुल्क की खिदमत करेगा वो ये पैसा किधर से रिकवर करेगा फिर कहते जी कि देखे जी करप्शन बड़ी बढ़ गई है मुल्क में कभी कानून से भी कोई करप्शन खत्म हुई है मुझे बताएं कभी कोई कानून बना के या लॉ इन्फोर्समेंट से करप्शन खत्म हो सकती है करप्शन एक माशरा खत्म करता है एक कॉम मिलकर करप्शन खत्म करती है जब एक कौम एक मैसेज देती है कि एक जो करप्शन करेगा रिश्वत देगा वो 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 हमारे में से नहीं है उसको लोग शादियां नहीं करवाएंगे उन घरों में उनको गौर पार्टीज पे नहीं बुलाएंगे यहां करप्ट लोगों को आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं और मैं ये भी कहना चाहूँ हमारे वो मीडिया के लोग मैं इनसे सवाल पूछता हूँ बड़े बड़े सहाफी अदालत में जाते हैं अदालत में जाके कहते हैं कि जी ओ नवाज शरीफ को तकरीर करने की मौका देना चाहिए वो नेल्सन मंडेला तकरीर करेगा मुल्क को पता नहीं क्या फायदा होगा एक आदमी सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट एक मुजरिम झूठ बोल के मुल्क से भागा हुआ जिसके ऊपर अरबों अरबों रुपए की चोरी उसके बेटों के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं लंदन मुल्क से क्यों भागे हुए जी हम सिटीजन है वो तो जी बकीगम पैलेस में पैदा हुए थे ना किधर से पैसा आया उनके पास ये यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं वो बाहर बैठा हुआ है उसका मुंशी जो दमाद है वो बाहर बैठा हुआ है उनके बच्चे बाहर बैठ सारे अरबोपति हैं कोई जवाब और यहां हमारे सहाफी कह रहे हैं कि जो उसे तकरीर करने का मौका दे वो कोई जेल से निकलता है अरबों रुपए की करप्शन के चार्ज वो जाके फूल फेंक रहे हैं लोग उसके ऊपर मुझे ये बताएं कैसे करप्शन खत्म होगी जब आप माशरा जब इन करप्ट लोगों को एक्सेप्टेबल कर देगा ये खुले आम जब ये आप जब यूसुफ रजा गिलानी ये जब बनेगा सेनेटर और वो पैसे चला के और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे जी ओहो हो जी जमूरियत बड़ी आ गई ये सिर्फ मुझे मैं ये समझने की कोशिश कि क्या हमें फिक्र है अपने आने वाले बच्चों की अपनी जनरेशन की अपनी नस्लों की कि क्या हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए मैं अपनी सारी कौम से पूछता हूं कि अगर आप इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे जो बड़े बड़े डाकों क्या इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी लगी हुई है कि इनके पीछे पड़ा रहे ये आप सब की जिम्मेदारी है सिर सिंगापुर के अंदर जब एक वजीर ने चोरी की करप्शन की लीक ऑन यू जो उनके प्राइम मिनिस्टर का सबसे करीबी था उसने जब उसको सजा दिलवाई उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसे पता था माशरे में अब मेरी जगह खत्म हो गई है उसको माशरे में हाल नहीं डालेंगे फूल नहीं फेंकेंगे कि नैब से बाहर आ रहे जी फूल फेंक रहे हैं कोई नहीं पूछ रहा कि इसने कितनी करप्शन की है मेरे पाकिस्तानी ये आप आपके ऊपर है क्या आप अपने मुल्क को ऊपर ले जाना चाहते हैं या इन चोरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं हम आज इसलिए यहां हैं कि हमने चोरी एक्सेप्ट की चोरों को एक्सेप्ट किया हमने उन लोगों को जब हम पता होते हुए कि इन्होंने आपका पैसा चोरी मेरा तो नहीं पैसा चोरी हुआ ये जो पैसा बाहर गया ये मेरा तो नहीं पैसा नहीं बाहर गया ये हमारा पैसा बाहर गया है ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैसा बनाते हैं हर चीज के ऊपर सड़क जो बनी होती है एक अरब रुपए में वो बनाते हैं डेढ़ अरब रुपए में बाकी पैसा इनकी जेब में और वो सारा आप सारी कॉम जो जो हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं पीछे तो जाए कर्जे चढ़े कैसे हैं कौन सी कौम आगे बढ़ सकती है एक मुझे कौम एक मुल्क बताएं। एक मुझे मुझे बताएं बताएं मुल्क मुल्क जिसके प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी कर रहे हो और वो मुल्क तरक्की कर रहा और खुशहाली हो एक मुझे मुल्क मुझे बता दे और जो मुल्क सजा और जजा नहीं करता ताकतवर को सजा नहीं देता वो ताकतवर जो मर्जी करे वो अच्छा वो बदकिस्मती से उनको वी की तरह ट्रीट किया जाता है जेलों में भी वो वी आई पी हैं उन्होंने अरबों की चोरी किया वो बेचारा गरीब आदमी ने कोई किसी की भैंस उठा ली कुछ वो उसका हाल देखें और इन वी का हाल देखें कौम करप्शन से लड़ती है कानून अकेला करप्शन नहीं खत्म कर सकता ये जो आपने ड्रामा देखा है आपके सामने जो हुआ है सारी कौम ने देखा है कि पैसे देके एक एक वजीर जीत गया और बड़ी तालियां बजी जी बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम किया उसने उसका माजी उठा के देखें साठ मिलियन डॉलर का पाकिस्तान का पैसा पड़ा था स्विट्ज़रलैंड में आसिजादारी तो कह ही नहीं सकता था मेरा क्योंकि उसने तो, तो कोई डिक्लेयर ही नहीं किया चोरी का पैसा था सुप्रीम कोर्ट उसे कह रहा है कि लेटर लिखो कि पाकिस्तान का पैसा स्विट्जरलैंड को वापस दें लेटर नहीं लिखा वफादारी जी मैं जी बड़ा वफादार हूं किससे किसी इंसान से वफादार हूं पाकिस्तान का पैसा सोचे आठ नौ अरब रुपया पाकिस्तान का बाहर पड़ा है वो आ जाता हम उसे क्या क्या कर सकते हैं स्कूल बना सकते हैं लोग अस्पताल सौ चीज़ें कर सकते हैं लेकिन जी इसने वो तो ये इसके हिसाब से बढ़ी है उस पर डिस्कालीफाई हुआ, हुआ हुआ है आज बड़े जोरों शोरों से जी सेनेटर बन गया जी बहुत बड़ी कामयाबी हुई है अब मैं आखिर में अपनी आपसे आखिरी जो बात करना चाहता हूँ वो ये इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे और मैं क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज़ है तो मैं इनको कहूँगा कि जी हाँ जी ठीक है मैं आपको एन आर ओ दे देता हूँ यानी आपके जितने भी केसेस ने आपको ख़त्म कर देता हूँ मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ असेंबली एस, के पास जा रहा हूँ कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने क्योंकि वो तो ओपन होगा ना अब ये आपका डेमोक्रेटिक मैं अब अपने अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं ये आपका जमहूरी राइट है आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं हैं मैं आपकी इज्जत करूंगा ठीक है मैं नाहिर हूं इतना काबिल नहीं हूं आराम से हाथ खड़े करें कह नहीं है मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा अगर आप जीत जाते हैं मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा लेकिन खुफिया तौर पर हाँ जी हम आपके लिए वोट करेंगे पैसे लेके किसी और को वोट करें आप अपनी आखरत तबाह करते हैं खौफ खुदा होना चाहिए आपको ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है हमेशा फ़िक्र किया करें अपनी आखरत की तो मैं कॉन्फिडेंस लूँगा जाके अपनी असम्बली से और मैं आपको ये बता दूँ ये अब मैं ज़रा मुखात हूँ ये जो सारे पीडीएम के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो आ, ये जो बड़े बड़े आ, क्या है ये जो भी हैं आप सबको मेरा ही पैगाम है देखें मुझे अगर अगर पावर भरी जाती है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मैंने कोई फैक्ट्रियाँ बनाई हैं आके मैंने कोई अपने रिश्तेदारों को कई बड़े बड़े उदे दिए हैं मैं तो कोई बाहर जाके या पैसे निकाल के तो बड़े बड़े कोई मेफेर में मैंने कोई बड़े बड़े घर ले लिए मैं तो अपने घर में रहता हूँ स्वाय हुकूमत का मेरे ऊपर पैसा एक ट्रैवल पे और एक सिक्योरिटी पे उसके अलावा सारे खर्चे मैं अपने बर्दाश्त करता हूँ सारे मेरे ट्रैवल देखे जब मैं बाहर गया हूँ दस दस गुना कम पैसा खर्च किया मैंने ट्रैवल में क्योंकि मुझे ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ मुझे खौफ खुदा है मेरे मुल्क में भूख है मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है मैं अपने मुल्क का पैसा बचाता हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इकतदार में ना हूँ कोई मेरी जिंदगी में नहीं फ़र्क पड़ेगा लेकिन आप सब के लिए मेरा पैगाम है मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ चाहे असम्बली से भी बाहर हो जाऊँ मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे मैं अगर बाहर भी हो जाऊं मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा यह जो कौम है यह अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती जो आपने जितनी कोशिश कर ली है मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी को मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए अपने मुल्क के अंदर ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क गद्दार कहता हूँ जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह इस मुल्क को बड़ा अच्छा वक्त दिखाने वाला है मुझे ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में हो गए पाकिस्तान पाइंदाबाद